तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कीर्ति मेहरा के बारे में। तो कीर्ति मेहरा ने गाइस अपनी नेक्स्ट ड्रीम कार को लेकर अपने आज वाले स्टोरी में बात किए हैं। जी हां गाइस, यहां पर किसी ने इनसे कमेंट करके पूछे कि 16 प्रो लेने का प्लानिंग है या फिर नहीं है, जहां पर गाइस इन्होंने रिप्लाई करते हुए ऊपर में लिखी है कि अभी तो सिर्फ नेक्स्ट थार लेने का प्लानिंग है। अब इसके अगले ही वाले स्टोरी में गाइस किसी ने ये भी बोले थे कि आपका तो मर्सिडीज लेने का प्लानिंग है, ये तो आपके लिए दूर दूर तक कोई भी प्लानिंग नहीं था। अब इस पर भी गाइस इन्होंने रिप्लाई करते हुए ऊपर में लिखी है कि बाइक को पसंद आ गई है। वेल, आप लोगों का गाइस इस पर क्या रिएक्शन है, आप लोग हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और गाइस हम बात करते हैं ईसीएल मैच में एलविस यादव वर्सेस फुकरा इंसान के बारे में। जी हां गाइस, आप लोगों को पता होगा कि अभी ईसीएल स्टार्ट हो चुका है। आज गाइस एलविस यादव वर्सेस फुकरा इंसान के बीच में मैच होना है। तो ऐसे में गाइस यहां पर एलविस यादव से मीडिया वालों ने फुकरा इंसान को लेकर सवाल पूछे। जी हां गाइस, यहां पर मीडिया वालों ने एलविस यादव से पूछे कि आप अपने कॉम्पिटिटर को यानी कि फुकरा इंसान को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे, जिस पर गाइस एलविस यादव ने क्या रिप्लाई किया, आप लोग इस वीडियो क्लिप में देखिए। क्या कहना चाहोगे, आपको कॉम्पिटिटर देखते हैं आप उन्हें टफ कॉम्पिटिटर या नहीं? नहीं देखो, आपने बिग बॉस का नाम लिया, बिग बॉस तो एक साल हो गया, उसके बाद प्लेग्राउंड में भी हार हो प्लेग्राउंड वो भी काउंट कर। क्रिकेट में देखो, उसने कई बार बोले कि यहाँ पर वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग नहीं होगी, उसे भी पता वोटिंग में तो चलो अलग सीन है। बट क्रिकेट में मैंने उसकी उसके साथ खेला हुआ हूँ तो सही है, अच्छा आता है उसको खेलना। देखेंगे अभी कि अभी तो उसके बेचारे के कुछ हो गया, फिजियोथेरेपी चल रही, तो मैं दुआ करूंगा भगवान से कि रिकवर जल्दी हो ताकि उसको फेस करूं मैं, क्योंकि हमारे तो आउट नहीं होने वाले था और 7-8 को और बैठने वाला मेरे हिसाब से। अच्छा, उसको देखिए।